अभी तक कोई नाम किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ। जो हमारे ऑब्जर्वर बैठे हैं उन्होंने सभी के साथ बात की है, मोबाइल पर कॉल करके सभी को पूछा है कि किसका नाम चाहिए। अभी जो कंसेंसस बनेगा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। नाम चल रहा है सबको, क्या कहेंगे सर? अभी क्या, अभी नाम कांग्रेस में किसी का भी चल सकता है, जब तक बाहर नहीं आएगा उस तक मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। देखिए कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जो भी अब हमारी हाईकमांड कहेगी तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूँ और एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। देखिए पहले अनाउंस हो जानी चाहिए और माझा या मालवा या दुआबा, माझा मालवा दुआबा, प्रताप सिंह कैरों जो माझे के थे वो चीफ मिनिस्टर और वो यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम ना पंजाबी थे, ना माझा था, ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने। आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। मैं कैप्टन साहब नूं एक रिक्वेस्ट करनी चाहुंदा कि असीं वी उन्हां दा चेहरा, उन्हां दा दूसरा रूप सीगा सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्हां दा दूसरा रूप सीगा सुख सरकारिया, उन्हां दा पहला रूप सीगा त्रिपत रजिंदर सिंह बाजवा। असीं अपने माझे तों कैप्टन साहब नूं लै के चले और अज वी उन्हीं साडे मन दे विच रिस्पैक्ट आ जो अज तों 12-14 साल पहलां सी। कैप्टन साहब साडी फैमिली दे मैंबर हैड सीगे, अपने परिवार दे विच कई वारी कई जिहड़े डिफरेंसिस आउंदे ने पर परिवार कभी निख वख नहीं होंदे, फिर इकट्ठे हो जाते। मेरे कैप्टन साहब बजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की थान समझा और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू अपने बेटे वांगू अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे ट्रीट किया। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसिस रहे ने, तुसीं वेखे होगे कि कैप्टन साहब ने एक बार भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मुँह कोई गल निकल जाती होगी कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी कीता। मैं कैप्टन साहब नूं तो वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया हो सुखजिंदर सिंह रंधावा जां सुख सरकारिया जां सरदार लाल सिंह जां होर कोई। कैप्टन अमरिंदर सिंह साडी फैमिली दे हैड ने, साडे सिर दा ताज ने। रंधावा साहब लगता है 4 महीनों च चोण जिहड़ा 18 सूत्री चीज का बार बार जिक्र हुंदा, लगता है 4 महीनों च पूरी हो जाएगी जी? देखो सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। सर बटिंगा मच्छियां नु अंदर करने की गल बार-बार की है, 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरे इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाई कमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा, होगा जरूर। पर ब्राड साहब तोड़े मगर खड़े हुए जी, दर्शन जी कह रहे थे कि मेरे बाबा साहब का नाम फाइनल है। स्माइल स्माइल दस रही है, थोड़ी स्माइल दस रही है, संकेत मेरी मेरी एक मिनट सुन लो।
मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखिया चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस से हमेशा स्माइल रही है कभी भी मेरे फेस से उत्ते स्माइल दुबना नहीं है बिल्कुल सारे करेंगे हर बंदे नु हक है एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून